अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम लोग इनपुट फंक्शन और इवैल फंक्शन को डिस्कस करेंगे। इनपुट फंक्शन जो है, ये रन टाइम यूजर से वैल्यूज इनपुट करवाने के लिए होता है। सो इससे हमारा जो प्रोग्राम है वो ज़्यादा डायनेमिक हो जाता है, और हम लोग रन टाइम से यूजर से वैल्यूज जो इनपुट करवाते हैं उन्हें अपने फंक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो इवैल फंक्शन है, एक टाइप कास्टिंग फंक्शन है जो कि इंटीजर या स्ट्रिंग या फ्लोट फंक्शन की तरह काम करता है, लेकिन जो इवैल फंक्शन है ये स्ट्रिंग वैल्यूज को इंटीजर या फ्लोट वैल्यूज में कन्वर्ट करते हैं। सो किस तरह इनपुट और इवैल फंक्शन वर्क करते हैं, इसको हम लोग देखेंगे कोड में। फ्रेंड, तो अब हम लोग देखेंगे इनपुट फंक्शन और इवैल फंक्शन की वर्किंग को थ्रू एन एग्जांपल। सो सबसे पहले हमें सम फंक्शन का प्रोग्राम बनाते हैं यूजिंग हार्ड कोडेड वैल्यूज। तो जैसे कि नम वन, हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे, नम वन और नम टू। अब हम इनका सम करते हैं कोर वेरिएबल में, और इसके सम को हम प्रिंट करवा देते हैं। तो हम इसे रन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई। लेकिन अगर आप यूजर को हम प्रोग्राम देते हैं और यूजर से रन करते हैं, तो यूजर को हर दफा यहाँ कोड में जाकर वैल्यूज चेंज करनी पड़ेंगी। सो अगर हम चाहते हैं कि यूजर रन टाइम पे उसमें वैल्यूज इनपुट करें, तो हम इनपुट फंक्शन को यूज करेंगे। तो जैसे कि इनपुट एक फंक्शन है, तो हम इनपुट कीवर्ड लिखेंगे और उसके बाद पैरेंथेसिस लगा देंगे। और इसके अंदर जैसे कि हमें व्यू स्टूडियो कोड स्ट्रिंग दिखा रहा है कि प्रॉम्प्ट, हमें कोई यूजर को स्ट्रिंग देनी है जिसको देख के यूजर कोई वैल्यू इनपुट करे। तो अगर हम इसमें स्ट्रिंग लिखें एंटर नंबर वन, हम इसे लिखते हैं एंटर नंबर वन, और दूसरी स्ट्रिंग इनपुट एंटर नंबर टू। और अगर हम इसे रन करें, तो यहाँ पर अब हमारे पास प्रॉम्प्ट मांगता है एंटर नंबर वन। सो लेट्स हम इसे 90 एंटर करते हैं और इसे 180। तो ये उन दोनों को कंकेटिनेट कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि इनपुट फंक्शन जो है एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। सो अब इसे टाइप कास्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इस चीज़ को सेपरेट करते हैं ताकि हमारी वैल्यू डिफरेंट नज़र आए, और अब हम इधर एक टाइप कास्ट करते हैं। सो इंटीजर में हम टाइप कास्टिंग कर रहे हैं और इसे रन करेंगे। तो अगर अब हम देखें 90 और 180, हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। तो अब जो इवैल फंक्शन क्या करता है, इवैल फंक्शन जो है इस इनपुट को या तो फ्लोट या इंटीजर में कन्वर्ट करता है। अगर हम यहाँ पर इवैल लगाएं और इसको रन करें, तो अब हमें अगर हम यहाँ पर 90.0 और 120 पास करते हैं, तो रिजल्ट आ रहा है 210.0। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर इंटीजर होता और इसे अगर हम कोई डेसिमल वैल्यू पास करें, तो ये एक वैल्यू एरर दे रहा है कि हम उसे फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि डेटा लॉस हो सकता है। सो इसके लिए हमें यहाँ पर फ्लोट यूज करना पड़ेगा। तो अगर अब हम रन करें, तो हमारी हर इंटीजर वैल्यू भी एज ए फ्लोट जाएगी। तो अब देखिए हमारा आंसर भी फ्लोट में आ रहा है। तो इसके लिए अगर हम इवैल फंक्शन यूज करें, तो अगर दोनों इनपुट्स इंटीजर में होंगी, तो इवैल फंक्शन इंटीजर में कन्वर्जन करेगा। अगर दोनों फ्लोट में होंगी या उनमें से कोई एक भी फ्लोट में होगी, तो ये कन्वर्जन हो जाएगी फ्लोट में। ठीक है, अगर हम 100.052 करें, सब हमारे पास फ्लोट में आ गए। लेकिन अगर दोबारा प्रोग्राम को रन करें और देखें कि 190 और 100 है, तो अब हमारा आंसर इंटीजर में आ रहा है। सो अवैल फंक्शन जो है या तो इंटीजर या फ्लोट में स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि स्ट्रिंग में किस तरह की वैल्यू पास की गई है।